हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है यूनुस और आप देख रहे हैं वाईके स्मार्ट टेक यूट्यूब चैनल। तो गाइस, क्या आप भी सोचते हैं कि यार हमारे पास भी एक कोई लैपटॉप होना चाहिए जिससे हम अच्छी एडिटिंग कर सकें। तो गाइस, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपसे बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से सेम टू सेम फिल्मोरा 9 जैसी एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। ये गाइस, ये ट्रिक आप मतलब काइन मास्टर में ही कर सकते हैं और एकदम फिल्मोरा की तरह मैं आपको एडिटिंग करना सिखाऊंगा। गाइस, फिल्मोरा में क्या है, जैसा एडिटिंग हम काइन मास्टर में करते हैं वैसा का वैसा ही एडिटिंग फिल्मोरा में होता है। फ़र्क क्या है, ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन आपको जो है ना मतलब काइन मास्टर में भी मिल जाते हैं, लेकिन वो कुछ मतलब डाउनलोड करने पड़ते हैं फिर आते हैं। तो उसे डाउनलोड कैसे करते हैं, उसे यूज़ कैसे करते हैं और एकदम फिल्मोरा 9 की तरह एडिटिंग कैसे करते हैं, ये आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पर आ चुका हूँ मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और अब आपको बताता हूँ किस तरीके से आप अपने काइन मास्टर के अंदर ट्रांजिशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली अपने काइन मास्टर को ओपन करना है और काइन मास्टर को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। तो आप मैं आपको बता दूँ कि आप मैंने जितने भी रिसेंट में वीडियो अपलोड की अपने यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, तो उसमें मैंने जितनी भी एडिटिंग की है ना वो सब काइन मास्टर से मैं एडिटिंग करता हूँ। क्योंकि आजकल जो है ना जमा टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि फिल्मोरा का भी आजकल काइन मास्टर पीछे छोड़ देता है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने काइन मास्टर में और मैं भी अधिकतर इसी से एडिटिंग करता हूँ। तो आपको यहाँ पर काइन मास्टर में आने के बाद आपको यहाँ पर प्लस पर नहीं जाना है, आपको प्लस आइकन के पास में एक शॉप का आइकन दिखेगा छोटा सा, आप देख सकते हैं ये वाला, आप देख सकते हैं ये वाला आपको आइकन दिख रहा है शॉप वाला। इसके ऊपर आपको टैप करके यहाँ से आपको ट्रांजिशन डाउनलोड करनी है। यहाँ पर आपको करना है क्लिक, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होगा और यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इफेक्ट्स है और भी कई सारे, मतलब आप यहाँ से, मैंने आपको जो है मोटा मोटा रास्ता बता दिया है। अब आप यहाँ से आने के बाद यहाँ से आप इसे कोई भी मतलब ट्रांजिशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए कितने सारे यहाँ पर अच्छे अच्छे इफेक्ट हैं, ये देखिए फ्रेम वगैरह सब कुछ है, मतलब कोई कमी नहीं है। काइन मास्टर हल्की चीज़ नहीं है, बहुत खतरनाक चीज़ है। इसमें एडिटिंग में ये फिल्मोरा को भी पीछे छोड़ देता है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये अंदर काइन मास्टर के अंदर छुपी हुई होती है और ये इसके लिए कोई पेड वर्जन नहीं है, ये एकदम फ्री है, आप डाउनलोड करिए और यूज़ कीजिए। तो अभी तो मैं आपको डाउनलोड करना सिखा रहा हूँ, फिर आगे मैं आपको बताऊँगा, मतलब इसी वीडियो में बताऊँगा कि इन्हें यूज़ कैसे करना है, अपने वीडियो के बीच में ट्रांजिशन कैसे लगानी है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बढ़िया यहाँ पर चीज़ें हैं। सॉरी फॉर ये थोड़ा मोबाइल जो है फोकस हटा लेता है। यहाँ पर आपको काइन मास्टर के भी वाटर मार्क्स मिल जाएंगे और ये बहुत काम की चीज़ है ये वाली, आप देख सकते हैं ये आपके आप वीडियो के नीचे, मैं भी यूज़ करता हूँ और आप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर जो है ना, ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, डाउनलोड कर रखा है, तो ये यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है इंस्टॉल्ड। तो अगर आपको आपने अभी तक नहीं किया तो यहाँ पर आपके डाउनलोड लिखा हुआ आएगा, आपने डाउनलोड कर लेना है और कुछ नहीं करना है। तो अभी मैं सिर्फ आपको डाउनलोड करना, फिर आगे मैं आपको बताऊँगा कि यूज़ कैसे करना है, मतलब ये कहाँ आएगा। आप सोचेंगे कि डाउनलोड तो कर लेंगे फिर आगे यूज़ कैसे करेंगे या इसे फाइंड कैसे करेंगे, तो पहले डाउनलोड कर लीजिए। देखिए कितना यहाँ पर क्यूट क्लिक, देखो यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इसका मतलब कि मैंने इस इफेक्ट्स को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है। तो मैं इसे अभी जो है डाउनलोड कर लेता हूँ, मतलब अभी डाउनलोड करके आपको बता दूँगा। तो इसे करते हैं डाउनलोड और ये हो रहा है डाउनलोड, ज़्यादा एमबी का नहीं है, 1.2 MB का है, क्योंकि ये एक छोटा सा ट्रांजिशन है, ज़्यादा बड़ा होता भी नहीं है। तो ये इंस्टॉलिंग और ये हो गया। तो अभी इसी इफ एफएक्स को मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। तो यहाँ से हम करेंगे इसे कट और यहाँ पर प्लस के आइकन पे जाके 16:9 का रेशियो लेंगे, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे हम मीडिया पर, उसके बाद हम यहाँ से जो है अपना मतलब वीडियो ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था ये वाला, जो कि यही वीडियो मैं अभी एडिट करूँगा, तो इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं यही वीडियो मैं एडिट कर रहा हूँ और यही वीडियो यही है, मतलब ये टॉपिक ही आज का यही है और इसी में मैंने यही बताया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है ये वीडियो। अब इसके आगे आपको फिर से मीडिया में जाके सेकंड वीडियो जोड़नी है,
जो कि अभी रिकॉर्ड हो रही है, मैं अभी जोड़ूंगा, लेकिन अभी तो ये रिकॉर्ड हो रही है इसलिए मैं आपको फॉर एग्जांपल को दूसरी एक फ़ोटो जोड़ के दिखा देता हूँ। तो ये है अपने घर की फ़ोटो, मैं आपको एक फ़ोटो जोड़ के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं मीडिया में जाऊँगा, उसके बाद जाऊँगा मैं यहाँ से कोई भी एक वीडियो ले लूँगा। ये अपना सब्सक्राइब इंट्रो ले लेते हैं, चलो ये लिया मैंने अपना सब्सक्राइब इंट्रो। अब यहाँ से हम करेंगे ऐसे कुछ इस तरीके से जूम, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बीच में ऐसा आ रहा है ना, ये ट्रांजिशन लगाने का ऑप्शन, यहाँ पर आपको यहाँ पर बीच में वाइट स्क्वायर पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से जो है आपके देखो, ये अभी अभी मैंने डाउनलोड किया था ना, ये देखो क्यूब फ्लिप ऑटोमेटिक ही आ गया, ये देखो क्यूब फ्लिप सिनेमेटिक। यहाँ पर ये इतने भी जितने भी है ना मैंने सब डाउनलोड कर रखे हैं, और अभी मैंने जस्ट जो डाउनलोड किया है वो यहाँ पर ऊपर आ चुका है क्यूब फ्लिप, इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर क्यूब फ्लिप में भी चार ऑप्शन आ चुके हैं गाइस, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से चेंज होगा, सेकंड कुछ इस तरीके से, थर्ड कुछ इस तरीके से, और फोर्थ वाला कुछ इस तरीके से। मतलब यार और क्या करना चाहते हो यार गाइस, इतना अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, और मैंने कई सारे ऐसे डाउनलोड करके रखे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिनेमेटिक, यहाँ पर ये नंबर्स भी आप डाल सकते हैं, एक नंबर, ये एक नंबर, फिर आगे दूसरा, मतलब ये जो आप अगर फैक्ट वीडियो बनाते हो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, फैक्ट नंबर 3, ये देखिए फैक्ट नंबर 3, तो आपका अगली वीडियो आ जाएगी। ये देखिए ये है शेक किट, और यहाँ पर है ये एक सिनेमेटिक, सिनेमेटिक काफ़ी अच्छा है, ये देखिए सिनेमेटिक में तो मज़ा ही आ जाता है, काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर ट्रांजिशन मिल जाते हैं। आप यहाँ से फिर से नॉन भी कर सकते हैं, मतलब आपको बिल्कुल हटाना है, और यहाँ पर नीचे और भी अच्छे अच्छे यहाँ पर देख सकते हैं, टेक्स्ट है, टेक्स्ट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ये वाला, ये जो मैं अपनी वीडियो में डालता हूँ, और मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये तो मैंने डाउनलोड भी नहीं किया है, ये कान मास्टर में पहले से आ रखे हैं, ये देखिए कमी तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ऐसे करके अपनी वीडियो को बना सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और ये देखिए भाई की स्मार्ट टेक यार, प्लीज़ गाइस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मेरा ये न्यू चैनल है, तो आगे से आपको ऐसी हटके टेक्निकल वीडियो मिलने वाली है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।